नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। यह तो तय है कि चूहे को हल्दी की कितनी बड़ी गांठ मिल जाए, वह पंसारी हरगिज नहीं बन सकता। यह अलग बात है कि अपने कुनबों में से की बघारने के लिए जरूर कहता फिरे कि शेर के गले में घंटी बांधने का हुनर उसके पास भी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि भारत का पड़ोसी मुल्क ऐसे चूहे वाली हरकतों पर उतर आया है। अब यह फंटर देश तैमंद के उन रंगों को फिर से चमकाने के चक्कर में है जिन्हें भारत ने 26 फरवरी 2019 को बदरंग कर दिया था, लेकिन जिनके पायजामे नाड़ेवीन हो और दोनों हाथ पायजामा संभालने में ऊर्जा खपा रहे हो, उनके मुख से निकली कोई भी बात गधैया की लात है जो चपर पकड़ चलती रहती है। भारत की सेना के नवनियुक्त थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने के संदेश ने पूरे पाकिस्तान में नए साल का जश्न फीका कर दिया। इसका मतलब यह है कि नरवाने ने अपना लक्ष्य जाहिर करके पाकिस्तान को आगाह किया है कि अभी पाकिस्तान के अच्छे दिनों की कोई उम्मीद नहीं है, यानी इसे धोबी का कुकुर बनाकर 2020 में भी पेलने का कार्यक्रम जारी रहेगा। बहुत से लोगों को यह सामान्य प्रतिक्रिया लगी होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी है। हालत यह है कि पाकिस्तान सरकार और पाक फौज के हाथ पैर फूले हुए हैं। अब जाकर पाकिस्तान अपनी बौखलाहट को परमाणु शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। वैसे भी ले देकर पाकिस्तान के पास यही सगुफा बचा है जिसे छोड़कर वह पाकिस्तान की मदरसों पर सुसु करने से बचाने की कोशिश में है। पर वास्तविकता यह है कि नरवणे की यह चेतावनी बहुत बड़ा इशारा कर चुकी है। नरवणे द्वारा यह कहना कि नियंत्रण रेखा के पार जाकर कोई भी कार्रवाई करना भारत का अधिकार है, एक बड़े उद्देश्य की तरफ संकेत करता है। भारत ने पिछले 3 साल में पाकिस्तान पर जो दबाव बनाया और बेहद आक्रामकतापूर्ण रवैया दिखाया, उससे पाकिस्तान अभी तक उबर नहीं पाया है। बड़ी बात यह है कि जब तक पाक ने भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करके उससे उबरने की कोशिश की, भारत की सेना ने उसके भीतर हलचल मचा दी। पर अब लगता यूं है कि इस साल पाकिस्तान की हालत और ज्यादा दयनीय होने जा रही है। पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती पीओके को लेकर है, जिस पर अब मामला फंसता जा रहा है। पाकिस्तान अपनी राजनीति से कश्मीर को खो चुका है, पर अब वह किसी तरह भारत की कटु दृष्टि में पीओके को लेकर कहीं ज्यादा घबराहट में है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बहुत दूर की प्लानिंग के आधार पर निर्मित किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख के तौर पर सरकार के सबसे वरिष्ठ वर्दीधारी सैन्य सलाहकार के रूप में जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति पाकिस्तान के लिए मुसीबत की घंटी है। पाकिस्तान की घबराहट यह है कि वर्ष 2020 में उसके तैमद उधेड़ने के लिए मोदी उसके खिलाफ कोई बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि रावत का कार्यकाल दिसंबर 2022 में खत्म होगा, पर कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान का नक्शा ही दुनिया से खत्म ना कर दिया जाए। नरवणे की चेतावनी के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने फिर से जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। इमरान ने अपने देशवासियों को पुनः याद दिलाया है कि फिलहाल पायजामे सुरक्षित है। पर हकीकत यह है कि जब भी भारत की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया दी जाती है, इन्हें टोपी से ज्यादा पायजामों की चिंता होती है, क्योंकि पायजामे नाड़ेवीन है। बेशक पिछले दिनों चीन की खटारा तकनीक से निर्मित JF-17 उड़ाकर मस्जिदों की मीनारें लांगी हो, पर भारत की घुड़की के बाद मदरसों की दीवारें गीली जरूर नजर आती है। पर मसला यह नहीं है, ट्रक की बत्ती बना पाकिस्तान केवल जबानी बचाव कर रहा है, इसके अलावा उसके पास दिखाने को कुछ नहीं है। इधर भारत अपने अगले कदम की तैयारी कर रहा है, जबकि इमरान कर्ज लेकर कर्ज उतारने में ढीला हुआ जाता है। सीमा पर भारतीय जवान मुस्तैद किए जा चुके हैं, पर पाकिस्तानी फौज में जनरल कमर जावेद बाजवा के आधा मुसलमान होने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अब इसका कुछ ना कुछ फायदा भारत उठा सकता है। फिलहाल पीओके को लेकर भारत इतनी जल्दी कोई एक्शन लेगा, इसमें अभी संदेह है। एक बड़ा संकेत और मिल रहा है, भारत की तरफ से 31 जनवरी के अंत तक या फिर फरवरी की शुरुआत में कुछ बड़ा होने की उम्मीद बढ़ गई है। जिस तरह पाकिस्तान पर अमेरिका ने F-16 उड़ाने पर नकेल कसी है, उसके बाद पाक ने आनन फानन में JF-17 उड़ाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, यह सब कवायद एक बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 2 हफ्तों से पाक ने नियंत्रण रेखा पर जिस तरह माहौल गर्म किया है,
उससे अब नरवणे भी पाक पर भन्ना उठे हैं। खास बात यह है कि नरवणे का स्वभाव पूर्व सेना प्रमुख और वर्तमान CDS बिपिन रावत से कहीं ज्यादा आक्रामक माना जाता है। उनके बारे में मशहूर है कि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, यानी नियंत्रण रेखा के पार जाकर कार्रवाई को भारत का अधिकार बताना केवल मौखिक चेतावनी नहीं है, शायद इसीलिए पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 3 दिनों से भारतीय खेमे में बहुत तेजी से हलचल बढ़ी है। पाकिस्तान भी अचानक हुई गतिविधियों से सख्ते में है। कहा यह भी जा रहा है कि नरवणे की ताजपोशी से पहले ही इसकी तैयारी हो चुकी थी। हालांकि इमरान खान ने अपनी जनता का डर अपनी तैयारी बताकर जरूर दूर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपनी घबराहट पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। आज जनरल बाजवा से उनकी मुलाकात का यही मतलब निकाला जा रहा है। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पार चीनी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर चुका है, साथ ही वे अपने रडार सिस्टम का भी निरंतर परीक्षण कर रहा है। सीमा पर बढ़ाए गए पाक रेंजर्स की तादाद भी उसकी चिंता को जाहिर करती है। इमरान से मुलाकात के बाद बाजवा ने POK के हाजरा क्षेत्र में स्थित पाकिस्तानी सेना के प्रशासनिक मुख्यालय में गुपचुप दौरा किया। यह मुख्यालय LOC से 18 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह वही जगह है जहां पर भारतीय सेना ने अक्टूबर 2019 में 3 कैंपों को ध्वस्त कर दिया था। हाजरा के इसी हिस्से में हाफिज के जमूरों के कैंप फिर से तैयार हो रहे हैं। माना जा रहा है इस बार भारत का टारगेट नियंत्रण रेखा के पार वे कैंप हो सकते हैं जहां से घुसपैठ की बहुत अधिक संभावना है। पाक के रणनीतिकारों को लगता है कि भारत अब किसी भी तरह से बालाकोट जैसी कोई कार्रवाई करने की बजाय अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर की खास बात यही है कि यह भारतीय सीमा में रहकर भी सीमा के दूसरी ओर के हिस्से में सटीक निशाना लगा सकता है। संभवतः इसीलिए पाकिस्तान अपने रडार सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है। वैसे रडार द्वारा अपाचे हेलीकॉप्टर का पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान इस वक्त बचाव की मुद्रा में है, जिस वजह से वह अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं दिखाना चाहता है। वर्तमान भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे का बयान पाकिस्तान उसी संदर्भ में ज्यादा देख रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के रणनीतिकारों में आशंका इस बात को लेकर है कि आज तक पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई को लेकर जो अनुमान लगाया है वह सब कुछ उल्टा हुआ, यानी इस बार भी पाक द्वारा सीमा पर सजाए गए यंत्रों के कलपुर्जे भारत की रणनीति समझने में नाकाम रह सकते हैं। खासतौर से नरवणे पाकिस्तान को लेकर जिस तरह पहले ही दिन से आक्रामक हुए वह उनके द्वारा पाकिस्तान को नहीं बख्शने की इच्छा शक्ति दर्शाता है। वैसे इस वक्त बिपिन रावत के बाद नए सेना प्रमुख के तौर पर नरवणे का आना भारतीय फौज का हौसला लबरेज करने वाला ही माना जाएगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।